नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। पोस्ट ऑफिस रोड पर झुग्गी बनाकर किया गया अतिक्रमण, प्रशासन ने शक्ति से हटा दिया। गुरुवार सुबह राजस्व अमला नगर निगम टीम और भारी पुलिस बल के साथ पहले मदर चाइल्ड यूनिट MCH पहुंचे। यहां MCH तथा बाल चिकित्सालय के बीच वॉल बाउंड्री के अंदर गारूडिया लोहार समाज ने झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसे सख्ती से खाली करवाया गया। निगम की JCB ने इस झुग्गी को उखाड़ फेंका। प्रशासन की टीम ने सिविक सेंटर पानी की टंकी के पास सहित अन्य स्थानों के अतिक्रमण भी हटा दिए। अतिक्रमण मुहिम में तहसीलदार गोपाल सोनी, पटवारी तेजवीर सिंह सहित निगम एवं राजस्व अमला शरीक रहा। ये चढ़ जाओ ऊपर। अरे दो साल हो गया तो उधर से चली जाती है काकी। सोमवार को बोल जाए इधर मत उतरो। तुम यही बात अंदर हो गए, यही कपड़े सुखा रहे, यही गाय। ये भाई अरे उसकी छाती से आगे से जाओ। गाय मेरे गाय का। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने गुरुवार को मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक ली। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने, उनके निराकरण तथा अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी को दिए। आप लोग खुद भी अपने स्तर से इसको सुमोटो भी लेकर के इसकी जांच आप करवाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है जिनका नाम पुरानी सूची में दिख रहा है, तो उनको आप विलोपित, स्थानांतरित इत्यादि जो भी स्थिति हो उसको अपडेट करेंगे। तू है या तू विलोपन, यानी ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी या तो मृत्यु हो गई है या फिर वो वहां से परमानेंटली स्थानांतरित हो गए हैं, तो इन सब लोगों के केस में ER2 का फॉर्म भरा जाएगा सूची को देखकर। और तीसरा है संशोधन का ER3, इसका मुझे लगता है काफी व्यापक रूप से यूज होता है। पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बैठक में SP गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू की जयंती पर स्कूलों में आयोजन हुए। जन चेतना परिषद द्वारा संचालित मुखबधिर स्कूल में खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। बच्चों ने यहां चित्रकारी भी की। बच्चों ने यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा से रूबरू करवाया। इधर कांग्रेस ने भी पंडित नेहरू को याद कर उनके स्टैचू पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। साज सज्जा कर चमक रहा रतलाम रेलवे स्टेशन आम यात्रियों की सुविधाओं के मामले में कोसों दूर है। रेलवे स्टेशन का मुआयना कर समस्याओं की पड़ताल करने वाले मंडल रेल प्रबंधक को अब तक यात्रियों की बड़ी समस्या नजर नहीं आई। मंडल का मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के ट्रेन से उतरकर बाहर आते ही कई बाधाओं को पार करना होता है। स्टेशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड के आगे ही कूलियों ने अपनी हाथ ठेला गाड़ी जमा दी है, जिससे यात्रियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आते ही गेट से ऑटो चालक भी सवारी के लिए यात्रियों के पीछे पड़ जाते हैं। ये ऑटो चालक बाहर वाले ब्रिज पर भी खड़े होकर यात्रियों को रोक लेते हैं, जिससे यात्री प्रीपेड प्रणाली पुलिस चौकी तक नहीं पहुँच पाए और निर्धारित दर से अधिक की वसूली की जाए। ऐसे मामलों में रेल प्रशासन से लेकर GRP और RPF तक चुप्पी साधे हैं, जिससे यात्री परेशान और भयग्रस्त ही रहता है। वहीं रेलवे के नियमों की भी धज्जियां उड़ रही है। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने स्कूली छात्राओं को सलाह दी कि वे राजनीति में नहीं आएं,
राजनीति की डगर बड़ी कठिन है। छात्राएं अन्य सरकारी सेवा में जाने के लिए मेहनत करें। विधायक मकवाना ने यह सलाह महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित बाल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। विधायक मकवाना स्कूल के द्वारा आयोजित बाल दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। हम बिना उसके जी नहीं सकते। ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उससे हमारा जीवन चलता है। आप खूब अच्छे से पढ़े, चाहे जिस क्षेत्र में भी, चाहे राजनीति का क्षेत्र बड़ा कठिन होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने भी जब ये सफर 2007 से शुरू करा था। कार्यक्रम में श्री मकवाना ने बालिकाओं को उपहार भी वितरित किए और कक्षा में जाकर पढ़ाया भी। चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, हम उस समय के उस मानव की तुलना नहीं कर सकते। आज तो क्या है कि मानव ने इतने विकास कर डाले हैं कि जो है। विधायक बनने के पहले इसी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में इतिहास के शिक्षक रहे श्री मकवाना ने करीब 20 मिनट तक बालिकाओं को पढ़ाया। बालिकाएं भी अपने पुराने टीचर को वापस अपने बीच पाकर खुश दिखी। बालिकाओं ने विधायक मकवाना से अनुरोध किया कि वे स्कूल आकर उन्हें पढ़ाते रहें। मेरा नाम कविता पाटीदार है, मैं 12th A से हूँ और आज हमारे विद्यालय में मकवाना सर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और वो पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया, और पहले पढ़ाते थे ऐसे आज भी पढ़ाया उन्होंने और हमको बहुत ही अच्छा लगा। क्या और बहुत लगा क्या हमसे पढ़ाई नहीं, नहीं कुछ भी फर्क नहीं लगा। अच्छा पहले पढ़ाते थे ऐसे आज भी पढ़ाया उन्होंने और अच्छा लगा हमको, और बहुत याद आती है सर की हिस्ट्री और राजनीति को, ये पढ़ते हैं हम जब जी। सर पहले आप इस स्कूल में टीचर के रूप में आते थे, आज विधायक के रूप में आए, कैसा लग रहा है आपको? विधायक बन के आया, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार ही है, और जब परिवार के बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से एक मन में खुशी और उमंग रहती है कि चलो आज बहुत दिन बाद जिनसे मिलना हुआ है तो बहुत अच्छा लगता और महसूस भी होता है। और हमेशा जब बच्चों के बीच में और स्टाफ के बीच में, यहाँ 18 साल से पिछले जो सेवा दी मैंने शिक्षक के रूप में और इस अध्यापक के पद पर कार्यरत था, तो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ाव हो ही जाता है और स्टाफ भी एक परिवार सा भाव के रूप में रहते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं यहाँ वापस से महारानी लक्ष्मीबाई में आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पद तो ठीक है, लेकिन पद के साथ साथ में जब परिवार से मिला तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हो रही मुझे भी कि आज इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा बच्चों से मिलना भी हुआ, स्टाफ से भी मिलना हुआ। एक चीज बता, जब आप टीचर थे इस स्कूल में कुछ कमियां रही होंगी, एक साल हो गया आपको विधायक बने, आपने अपने इस पुराने स्कूल को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया? मैंने प्रयास जो भी पिछली बार यहाँ से जो बातें आई कि यहाँ पानी के लिए टंकी की आवश्यकता है तो उसके लिए मैंने टंकियाँ भिजवा दी है। और अभी बात आ रही कि साहब बच्चों को फिल्टर पानी के लिए, आरओ के लिए भी, और पानी वास्तव में जीवन में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण है तो उसके लिए मैं बच्चों के लिए फिल्टर पानी पिलाने के लिए आरओ भी लगवा दूंगा मेरी तरफ से। और जो भी आवश्यकता होगी जहाँ बच्चों के हित में और स्कूल के हित में जो भी होगा मैं निश्चित रूप से हर समय सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक चीज़ और, जब बच्चियां पहले आपको टीचर के रूप में देखती थी आज विधायक के रूप में देख रही है, उस समय बच्चों के जो कहते हैं कि एक्सप्रेशन क्या था उनके, क्या किस तरह का लगा आपको देख के उन बच्चियों को? बच्चे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल पहले भी हमेशा कहीं ना कहीं बच्चों से स्नेह और पढ़ाने के प्रति तो अपन थे ही सही, और बच्चे भी अनुशासन में रहते हैं और अच्छे से रहते थे, और अभी भी वही सारी चीजें हैं बच्चों में। और बच्चों में एक नई उमंग है, जब इस क्षेत्र की छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ आती है पढ़ने के लिए, और मैं चुनाव में जब गया
प्रचार प्रसार के लिए वोट मांगने के लिए, तो बच्चों ने बड़ी उत्सुकता के साथ जो मेरा स्वागत भी करा और मेरी मदद भी करी, और पेरेंट्स से जीत करके भी इन्होंने मुझे वोट दिलाए। बहुत सी जगह ऐसी स्थिति भी सामने आई। विधायक जी, आपने बच्चों को सीख दी थी, सीख के साथ में भी ये कहा था आपने कि नेता ना बने, तो कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आती है क्या विधायक बनने के बाद, आपने ये देखा क्या? नहीं, देखो ये रास्ता बड़ा कठिन है, समस्याएं तो कोई से भी आप संकल्प ले लो, किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो अड़चने तो आती। मान लो हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में तो बहुत सारी अड़चने आती हैं और प्रतिस्पर्धाएं होती है, कि जब मैं विधानसभा के लेके बात कर लूँ, मेरे लिए स्वयं की बात मैं करूँ, तो टिकट के लिए जब मैं प्रयासरत था तो और भी बहुत सारे दावेदार रहे, तो मेहनत तो बहुत करना पड़ती है, बहुत जो है किस तरह की अड़चने आती है, आखिर क्या कारण ऐसे रहे जो अपने बच्चों को नेता नहीं बनने की? नहीं, ऐसा मेरा ये उद्देश्य नहीं कि बच्चे नेता नहीं बने, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं तो रहती है राजनीति में, बहुत सारे परिस्थितियां आती हैं, एक बच्चियां उनको फेस करने में दिक्कत आती है, इसलिए। बाकी अन्य क्षेत्र भी हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती हैं, अच्छे पदों पर भी जा सकती है, SP कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, DSP वगैरह भी बन सकती हैं, भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आसानी से इनके लिए रहा आसान है। जब हम सरकारी सेवाओं की बात करें तो सरकार द्वारा 30% जो आरक्षण है, तो उसका लाभ भी छात्राओं को मिल सकता है। डायबिटीज यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसने तेजी से अपना ग्राफ बढ़ाया है। इस रोग का मुख्य कारण सिर्फ खान पान ही है। विश्व मधुमेह दिवस पर शुगर जैसे रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सुबह से अनेकों आयोजन शहर में हुए। जिला स्वास्थ्य विभाग सहित सामाजिक संस्थाओं ने चौराहों, सड़कों तथा रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाकर हर व्यक्ति के शुगर की जांच की। सुबह स्वास्थ्य विभाग ने शुगर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महाराजा सज्जन सिंह स्टेचू पर मानव श्रृंखला बनाई। यहाँ से नर्सिंग स्टाफ ने रैली निकाली। डॉक्टर योगेश निखरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल पहुंची। यहां शुगर के उपचार एवं योग परामर्श दिया गया। शुगर रोग की सावधानी और जागरूकता पर डॉक्टर योगेश निखरा ने एंड टाइम्स को बताया। आज विश्व मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, इसके उपलक्ष्य में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आजकल ये जो डायबिटीज या बीपी की बीमारी लोगों के बीच में जड़पी पसार रही है, उनको रोकें, अपनी जीवन शैली स्वस्थ रखें, है ना, अच्छा खाएं पिएं, घर का हरी सब्जियाँ फल ज़्यादा खाएँ, तला गला भोजन कम करें और बराबर रेगुलरली कसरत करते रहें, कुर्सी में बैठे ना रहे,